टेस्टमनी सुनेंगे। अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये सिस्टर कर्मजीत कौर हैं और ये लगातार संगति कर रहे हैं, खमानों से आते हैं, और इनकी टेस्टमनी ये है कि ये जब 9 साल की थी तो ये छत पर से गिर गई थी और इसके जो रेट जो स्कूल था इसका जो सर की हड्डी थी उसमें टेढ़ आ गई थी और डॉक्टर्स ने इसको स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाए ताकि दिमाग में खून ना बहने पाए। दिमाग में दरार आ गई थी। हाँ जी। और डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिए जिसकी वजह से इसके लंग्स इसके फेफड़े सूंघड़ गए वो इंजेक्शन की वजह से, और फिर इसको अस्थमा की शिकायत हो गई, ये अपना स्कूल वाला बैग भी उठा नहीं सकती थी, और 15 साल से ये सिस्टर अस्थमा की ग्रस्त है और ये बोल रही है आज 20 दिन हो चुके हैं मैंने अस्थमा का यूज नहीं किया, मेरी 15 साल की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। Lord, hallelujah. और अपोस्टल जी, इसकी दूसरी टेस्टमनी ये है, इसकी बहन यहाँ अपने डिलीवरी कराने के लिए आए हुए थे खमानो, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने यहाँ पे भेजा था उनको, उनके पास पहले बेटे की आशीष थी और अब परमेश्वर ने उनको बेटे की आशीष दी है। और उसकी टेस्टमनी ये है, जब बेबी होने को था तो उसका खून जो था वो 3 ग्राम था और लगातार वो प्रार्थना करवाते रहे और प्रार्थनाओं का नतीजा है कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल पैदा हुआ। और उस बहन की भी गवाही ये है, 6 साल से वो भी पंप का इस्तेमाल कर रही थी, उसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी और जब वो वापस अपने ससुराल में गई अपने बेटे को लेकर वो अपना पंप अपने मायके में भूल गई, वो ये भूल चुकी थी कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। अपोस्टल रमन हंस निश्चित में फोन करने के द्वारा उसकी भी अस्थमा की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है। जीसस, थैंक यू। सिस्टर, आपको कितने साल से प्रॉब्लम थी? ये मैंने 15 साल हो गए थी। ओके, हुन किस तरह तुहानू चंगाई मिली है? मैं ठीक हां, हुन मिलती मैं सारा घर दा काम भी कर रही, बाल्टी भी चक ले ते पौड़ियां भी। ओ प्रेज द लॉर्ड। दवाई सुन दिया करो। ओके, हुन ठीक हां तुसी? हां जी। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? 2 ਟਾਈਮ। ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਬ ਆਪਨੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬ ਕਿਹਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਇਨਕਾ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਕਾ ਇਨਕਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਹੁਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੇ ਥੇ और वो पंप ये लेके आए, कहते हैं कि मैं अपोस्टल जी को दिखाना चाहती हूँ, ये बीमारी से मैं छूट चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपको पता, जिस व्यक्ति को ये बड़ी बेटी का है, ये बड़ी बेटी का भी छूट चुका है। जिस व्यक्ति को पंप लग जाता है वो इसके बिना नहीं रह पाता है। ये देखिए पंप, ये मेडिसिन है, और डेली 2 टाइम लेती थी। आप सिस्टर बताएं, चर्च कितने टाइम से आ रही हैं आप? 2-3 साल हो गए मैं चर्च। 2-3 साल से आपको चंगाई नहीं मिली थी? नहीं सर। लेकिन अब 20 दिन पहले परमेश्वर ने आपको छुआ। हाँ जी। और अभी जी, आपने ना 8वें महीने की 12 तारीख को इन पे प्रोफेसी की थी, आपको तारीख याद है? हाँ जी, 8वें महीने की 12 तारीख प्रोफेसी में मैंने क्या कहा था जी? मीन की करमजीत कौर कोई भैन बिना साथ ही होगा इसी वक्त। करमजीत को प्रभु आशीषित कर रहा है, बहन तुझे अस्थमे की प्रॉब्लम है, तेरे सांस में प्रॉब्लम है, अपने गले के ऊपर हाथ रखा भी। प्रभु यीशु मसीह इस बहन के गले पर जैसे इसने हाथ रखा है, होली स्पिरिट इस बहन को छू ले। माइटी गॉड, टच 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 टच, अस्थमे का रोग, सांस की बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से इनको छोड़ के जा रही है, जा रही है इनको छोड़ के यीशु के सामर्थी नाम से। जितने लोगों को सांस की बीमारी, लंग्स की कमजोरी, ब्लड कैंसर की बीमारी, ब्लड की इन्फेक्शन, सेल्स की कमी, यीशु के नाम में चंगाई पाओ, हीलिंग पाओ। मैं कह रहा हूं चंगाई पाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को आप छू लें, छू लें एक एक व्यक्ति को परमेश्वर। Praise the Lord! Jesus, hallelujah! जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए।